हेलो दोस्तों नमस्कार। अगर आपकी दिल्ली पुलिस की एग्जाम हो गई है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और अगर आपके एग्जाम दिल्ली पुलिस की आगे होनी है, एग्जाम आपने नहीं दी है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, वरना आप सिलेक्शन से काफी दूर पहुंच जाएंगे। हो सकता है दोस्तों ये बात आपको कड़वी लगे, लेकिन सच ये है और आपको इसका ध्यान जरूर रखना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको देता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप यहां पर हर रोज पेपर की आंसर की देख सकें और दिल्ली पुलिस भर्ती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपको सबसे पहले दी जाती है। देखिए दोस्तों, पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो आपकी ये है कि आपका पेपर हार्ड आ रहा है। दोस्तों ये सच है कि दिल्ली पुलिस का पेपर पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी हार्ड है, लेकिन दोस्तों आप घर से ही ये दिमाग में बैठा कर ना लेके जाए कि पेपर हार्ड आ रहा है, पेपर हार्ड आ रहा है। दोस्तों कई विद्यार्थियों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है और उनसे मेरा कॉन्टेक्ट भी है एग्जाम के बाद में। उनको वहां पर जो आसान आसान क्वेश्चंस थे वो भी हार्ड लग रहे थे। उसका कारण था कि उनके दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ था कि इस बार तो पेपर हार्ड आ रहा है। तो दोस्तों इसमें अपने दिमाग से निकाल दो कि पेपर हार्ड आ रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बहुत विद्यार्थी गलती कर रहे हैं कि वो एग्जाम का एनालिसिस देख के, जैसे देख रहे हैं कि एक तारीख को ये क्वेश्चन आ रहे हैं, पांच क्वेश्चन पुरस्कार से पूछ रहा है, पांच कंप्यूटर में उससे आ रहे हैं, अब वो सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं जो पूछी जा रही हैं। और दोस्तों दिल्ली पुलिस की एग्जाम अब तक जो हुई है उसमें देखा गया है कि पेपर का फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है। जी हां दोस्तों, कभी तो पांच क्वेश्चन बजट के पूछ लेता है, कभी पांच क्वेश्चन संसद के पूछ लेता है। यानी कि जो एग्जाम में अब तक आया है सिर्फ आपको उसको देखकर वही नहीं पढ़ना है, पूरा ओवरऑल अपना सब कुछ पढ़ते रहो। अगर सिर्फ एग्जाम के जो पेपर आए हैं उनके हिसाब से पढ़ते रहे तो आपकी शिफ्ट में कुछ और आ जाएगा और आप धोखे के अंदर ही रह जाएंगे। देखिए दोस्तों एक और बात आपको बहुत जरूरी बताता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, अगर आप किसी भी कंपिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य विज्ञान की बेस्ट बुक आती है आरबीडी की तरफ से, हर जगह हर बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और यह बुक आप पढ़ते हैं तो जनरल साइंस में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पॉइंट नंबर दो जो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इस बार पेपर हार्ड आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पेपर कितना भी हार्ड हो या कितना भी आसान हो, लेकिन 60,000 विद्यार्थी फिजिकल में बुलाए जाएंगे, ये बात सच है। और दोस्तों इतने ही बुलाए जाएंगे, चाहे पेपर कितना हार्ड हो या आसान हो, फिक्स 60,000 फिजिकल में जाने वाले हैं। तो आप अपने दिमाग में एग्जाम से पहले कोई भी ये बैरियर मत बनाओ कि मुझे 70 प्लस करना है, 75 प्लस करना है। आपको कोई टारगेट लेके नहीं चलना नंबर्स का, एग्जाम देने जाओ अच्छे से तैयारी करके, और जितना भी आपको वहां पर आता है वो करके आओ, चाहे आपके 20 नंबर आए चाहे 30 आए। दोस्तों जो ऊपर के 60,000 विद्यार्थी होंगे जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो फिजिकल में जाएंगे, ना कि दोस्तों कोई ऐसा नियम नहीं है कि 70 से ऊपर वाले जाएंगे, 75 से ऊपर वाले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कोई नियम नहीं है, तो फिर आप क्यों अपने दिमाग में बैठा के बैठे हो कि मुझे 70 प्लस जाना है, 75 प्लस जाना है, क्योंकि दोस्तों पेपर हार्ड आ रहा है। अगर आप दोस्तों घर से ही ऐसा टारगेट लेके जाएंगे 75-70 का और वहां पर पेपर हार्ड मिला तो आप घबरा जाएंगे, और फिर आपके 70 तो छोड़ो 65 भी नहीं आएंगे। इसलिए कोई भी दिमाग में ऐसा टारगेट एग्जाम से पहले नहीं रखना कि मुझे इतना स्कोर करना है, बस आराम से पढ़कर जाओ। टारगेट रखने वाला पेपर इस बार नहीं आ रहा है, आप दोस्तों कितना भी स्कोर करके आओ, अगर आपकी तैयारी है तो विश्वास रखो आपका सिलेक्शन ऊपर के 60,000 विद्यार्थियों में जरूर होगा और आप फिजिकल के लिए जाएंगे। दोस्तों देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप वो पढ़ो जो पहले पढ़ रहे थे, नॉर्मल सब कुछ एक साथ पढ़ो, ऐसा नहीं है जो अब तक एग्जाम में आ रहा है आप उन्हीं टॉपिक्स में लगे रहे। ऐसा करोगे तो जैसे ही आपकी शिफ्ट में फॉर्मेट चेंज होगा आपका पूरा का पूरा दिमाग घूम जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में वीडियो चल गया तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आगे भी पल पल की अपडेट और हर रोज के आंसर की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपके एग्जाम किस तारीख को है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।